सभी बच्चे मैथ्स की बुक में पेज नंबर 35 निकालेंगे। पेज नंबर 35 में है एडिशन फैक्ट्स अप टू 5। इसमें 5 तक के एडिशन फैक्ट दिए आपको। एडिशन फैक्ट्स ऑफ अ नंबर आर अ ग्रुप ऑफ एडिशन सेंटेंसेस। किसी भी नंबर का एडिशन फैक्ट वो एडिशन ग्रुप होता है। ब्लॉक 7 दैट टेल दैट ऑल एड टू अ सेम नंबर, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों नंबर को ऐड करने के बाद उनका सम वही नंबर आता है जो हमें नंबर दिया है। फॉर एग्जांपल हमें 1 के सम्स निकालने हैं, 1 के एडिशन फैक्ट निकालने, तो 1 में हम क्या प्लस करेंगे कि 1 ही रहे। तो 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 1 ही होगा। इसी तरह 2 के ग्रुप एडिशन ग्रुप है, एडिशन फैक्ट है 2 का। 2 में हम क्या प्लस करेंगे कि 2 ही है, 0। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। 1 में 1 प्लस करते हैं तो भी हमारा 2 ही होता है, और 0 प्लस 2 भी 2 होगा। ये यही लिखा है, एडिशन फैक्ट ऑफ अ नंबर आर अ ग्रुप ऑफ एडिशन सेंटेंस। एडिशन फैक्ट किसी भी नंबर का एडिशन फैक्ट नंबर ग्रुप ऑफ एडिशन सेंटेंस होता है, उस नंबर के एडिशन सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। दैट टेल दैट ऑल ऐड टू अ सेम नंबर, जिसका जिन जिसमें ऐड करने पर सबका सम सेम ही आएगा। इसी तरह 4 के भी है, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। 3 प्लस 1 भी 4 होंगे, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 और 0 प्लस 4 4। ये आपके 1 से 5 तक के एडिशन ग्रुप दिए हैं आपको, एडिशन फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क विद योर पार्टनर टू डिवाइड 4 राजमा बीन्स। इसमें आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है। वर्क विद योर पार्टनर टू डिवाइड 4 राजमा बीन्स इन 5 वेज। इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ काम करोगे। आपको 4 राजमा बीन्स हैं और इसको आपको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए आप अपनी रफ नोटबुक निकालिए। रफ नोटबुक में आप करोगे, पहले फर्स्ट है ड्रॉ 2 सर्कल्स एज सर्कल 1 एंड सर्कल 2 इन योर नोटबुक। इस तरह आप अपनी नोटबुक में सर्कल 1 और सर्कल 2 ड्रॉ करेंगे। अपनी नोटबुक में इस तरह आप सर्कल 1 और सर्कल 2 ड्रॉ करोगे। फिर क्या लिखा है, फिर है प्लेस द बीन्स इन सर्कल 1 एंड इन सर्कल 2 इन 5 डिफरेंट वे। इसमें आपको बीन्स जो है आपकी राजमा बीन्स है उनको 5 अलग तरीके से रखना है। तो देखिए पहले आप किस तरह से रख सकते हो, 0 प्लस 4। सेकेंड तरीका क्या है,
वन प्लस थ्री। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? टू प्लस टू बीन्स। अब फोर्थ वे क्या है? फर्स्ट वाले सर्कल में थ्री बीन्स और सेकंड वाले में वन। और फिफ्थ क्या होगा आपका? फर्स्ट वाले में फोर और सेकंड वाले में जीरो। तो आपके फाइव डिफरेंट वेज हो गए बीन्स को डिवाइड करने के। इस तरह होगा आपका क्वेश्चन वन। ये ए में आप सर्कल ड्रॉ करोगे और बी में आप ये दिखाओगे। तो ये आपका ए और बी दोनों क्वेश्चन हो गए। इस तरह आपको अपनी रफ नोटबुक में इसे करना है। अब है क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सी है। कलेक्ट सॉरी कंप्लीट द टेबल एंड राइट ऑल द एडिशन फैक्ट। इसमें आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए इसके एडिशन फैक्ट्स लिखने हैं। नंबर ऑफ बीन्स इन सर्कल वन। सर्कल वन में कितने बीन्स हैं? नंबर ऑफ बीन्स इन सर्कल टू। सर्कल टू में कितने बीन्स हैं? और उसका एडिशन फैक्ट, एडिशन फैक्ट क्या होगा उसका, वो लिखेंगे अब हम। तो फर्स्ट देखिए, पहले सर्कल में हमने जीरो बीन्स रखी थी और सेकंड में थी फोर। तो इसका एडिशन सेंटेंस बना जीरो प्लस फोर। अब फर्स्ट सर्कल में है वन और सेकंड में थ्री, तो इसका एडिशन फैक्ट बनेगा वन वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। सेकेंड टू सर्कल वन में है टू बीन्स और सर्कल टू में भी टू बीन्स है, तो ये बनेगा टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। इसका एडिशन फैक्ट होगा ये। थर्ड है, इसमें थ्री है फर्स्ट सर्कल में और सेकंड सर्कल में वन बीन है, तो इसका एडिशन फैक्ट है थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। और फिफ्थ हमारा ग्रुप है, फर्स्ट वाले में फोर है और सेकंड वाले में जीरो है, तो इसका एडिशन फैक्ट होगा फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर। क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको जो नंबर फिल है, जो नंबर मिस है, वो नंबर फिल करने हैं आपको। सर्कल द एडिशन फैक्ट ऑफ थ्री। और इन्हें लिखने के बाद एडिशन फैक्ट थ्री का जो होगा, थ्री का एडिशन फैक्ट जो जो होंगे उनको आप सर्कल करोगे। तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। थ्री में हम क्या प्लस करेंगे कि फाइव हो जाए, टू ही प्लस करेंगे। वन में क्या प्लस करेंगे कि थ्री हो, टू। तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री। अब इसमें हमें क्या करना था, पहले नंबर लिखने के बाद सर्कल करना था एडिशन फैक्ट जो है थ्री के। तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री। इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट ऑल द एडिशन फैक्ट ऑफ टू। यहाँ पर आपको टू के एडिशन फैक्ट लिखने हैं। तो क्या क्या है एडिशन फैक्ट टू के? जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू, एक तो ये होगा। वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू। ये आपके टू के एडिशन फैक्ट है।
क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. इसमें भी आपको जो नंबर मिस है वो फिल करने हैं. ए है डैश प्लस वन इज इक्वल टू फाइव. तो वन में हम क्या प्लस करेंगे कि फाइव हो जाए? फोर. वन में हम क्या प्लस करेंगे कि फाइव हो जाए? फोर. बी है वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव. वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव. और थ्री में हम क्या ऐड करेंगे कि फाइव हो? तो टू. जीरो में क्या प्लस करोगे कि फाइव जितना हो? तो फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव है, द अबव एडिशन फैक्ट्स, द अबव एडिशन फैक्ट्स आर फॉर द नंबर. जो ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर फोर में एडिशन फैक्ट दिए हैं वो कौन से नंबर के हैं? फाइव के हैं. कंप्लीट कीजिए सभी, इसके बाद हम आगे करेंगे. नेक्स्ट है पेज नंबर 36. एडिशन फैक्ट अप टू 10. अभी हमने 1 से 5 तक के एडिशन फैक्ट के बारे में पढ़ा था. अब हम एडिशन फैक्ट 10 तक पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10 का. लिखा है ऑल नंबर्स हैव वन मोर नंबर ऑफ एडिशन फैक्ट देन द नंबर इटसेल्फ. यहाँ पर आपको जो नंबर दिए हैं सबके पास जितना ये नंबर है इससे एक नंबर एक्स्ट्रा एडिशन फैक्ट है. फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 6 लेकिन इसके एडिशन फैक्ट है 7. तो जो नंबर जितना है उससे एक एक्स्ट्रा ही एडिशन फैक्ट है. यहाँ 7 नंबर लिखा है तो इसके ये 8 होंगे. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 लिखा है तो इसके एडिशन फैक्ट 9 होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसी तरह 9 नंबर के एडिशन फैक्ट 10 होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और 10 के एडिशन फैक्ट कितने होंगे? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा है ऑल द नंबर्स हैव वन मोर नंबर. हर एक नंबर के पास एक नंबर एक एडिशन फैक्ट एक्स्ट्रा है देन द नंबर इटसेल्फ. जितना वो नंबर है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा है. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ 6, 6 नंबर के पास 7 एडिशन फैक्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद योर पार्टनर. अब जैसे हमने पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 4 राजमा बीन्स थे हमारे पास और उसे 5 डिफरेंट वेज में हमने डिवाइड किया था. इसी तरह हम इसका भी करेंगे. तो ए में क्या लिखा है? ड्रॉ सर्कल 1 एंड सर्कल 2 इन योर नोटबुक. इसमें भी आप अपनी नोटबुक में सर्कल 1 और सर्कल 2 ड्रॉ करोगे इस तरह. इसमें भी आप अपनी नोटबुक में सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल 1, सर्कल 2. अब फिर इसमें क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्लेस द बीन्स इन सर्कल 1 एंड सर्कल 2, राइट द एडिशन फैक्ट ऑफ 7.
आपको सर्कल वन और सर्कल टू में बीन्स रखनी है और सेवन का एडिशन पैक लिखना भी है. यू कैन स्टार्ट विद जीरो बीन इन सर्कल वन, और आप सर्कल वन में जीरो बीन से स्टार्ट कर सकते हो. सर्कल वन एंड ऑल सेवन बीन्स इन सर्कल टू, और सर्कल टू में सारे के सारे सेवन बीन्स रखकर. द एडिशन फैक्ट फॉर दिस, इसका एडिशन फैक्ट क्या होगा, जीरो प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन. राइट ईच एडिशन फैक्ट एज यू मेक दैम. और इसी तरह आपको इनके एडिशन फैक्ट भी लिखने हैं. तो देखिए, फर्स्ट सर्कल में हम जीरो बीन्स रखेंगे और सेकेंड में सेवन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इसका एडिशन फैक्ट क्या हुआ, जीरो प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन. अब सेकेंड क्या है, सेकेंड तरीका क्या होगा, हम इसमें वन रखेंगे और इसमें सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो एडिशन फैक्ट वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन. तीसरा तरीका क्या होगा, इसमें हम सर्कल वन में टू बीन्स रखेंगे और सर्कल टू में फाइव बीन्स. तो यहाँ हम लिखेंगे टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन. थर्ड में, अब फोर्थ वे क्या है, इसमें आप थ्री बीन्स रखोगे और इसमें फोर, तो इसका एडिशन फैक्ट बनेगा थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन. फिफ्थ, इसमें आप फर्स्ट वाले में फोर रखोगे और सेकंड वाले में थ्री, तो इसका एडिशन फैक्ट बनेगा फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन. नेक्स्ट, यहाँ हम रखेंगे फर्स्ट सर्कल में फाइव और सेकंड में टू, इसका एडिशन फैक्ट होगा फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन. इसमें हम फर्स्ट वाले सर्कल में रखेंगे सिक्स और इसमें वन, तो इसका क्या बनेगा, सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स. और लास्ट वाले में हम फर्स्ट वाले सर्कल में ही सारे बीन्स रखेंगे और सेकंड वाले में एक भी नहीं रखेंगे, तो ये होगा सेवन प्लस जीरो इज इक्वल टू सेवन. तो देखिए, नंबर तो सेवन है, इसके एडिशन फैक्ट कितने आए हैं, एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट. सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन किया था पेज नंबर 35 पर, इसी तरह हमने ये किया है क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 36 का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. इसमें भी आपको जो नंबर मिस है वो फिल करने हैं. पिक द एडिशन फैक्ट नाइन एंड राइट इन योर नोटबुक. इसमें से आपको नाइन का जो एडिशन फैक्ट होगा उसको अपनी नोटबुक में लिखना है. तो अभी आप अपनी बुक में टिक कर लोगे नाइन का एडिशन फैक्ट, बाद में अपनी नोटबुक में लिखोगे. तो फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन. फाइव प्लस थ्री कितने होंगे, एट. टू प्लस सेवन, नाइन. सिक्स प्लस वन कितने होंगे, सेवन. जीरो प्लस सिक्स, सिक्स. थ्री प्लस सिक्स, नाइन. जीरो प्लस वन, वन. और वन में एट को प्लस करेंगे तो नाइन. अब इसमें नाइन के एडिशन फैक्ट कौन से हैं उसको मैं टिक लगा रही हूँ. तो ए वाला है आपका नाइन का एडिशन फैक्ट, सी वाला है, एफ है और एच है. क्वेश्चन नंबर थ्री, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. इसमें भी आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं. सिक्स में हम क्या प्लस करेंगे, तो क्या प्लस करेंगे कि आंसर सिक्स ही आए, जीरो. फाइव में आप क्या प्लस करोगे सिक्स आंसर आए, वन. टू प्लस फोर कितने होते हैं, सिक्स. और थ्री प्लस थ्री भी सिक्स ही होते हैं. द अबव एडिशन फैक्ट आर द नंबर ऑफ, ये चारों एडिशन फैक्ट किस कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर आ रहा है इसको ऐड करने से, सिक्स.
Write all addition fact showing how you can store 10 balloons with your friend. इसमें आपको सारे एडिशन फैक्ट्स लिखने हैं कि आपके पास जो 10 बलून्स है उसको आप अपने फ्रेंड के साथ किस तरह से शेयर कर सकते हो. तो आपको यहाँ 10 के एडिशन फैक्ट लिखने हैं. ये आप नोटबुक में लिखोगे. पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बुक में करोगे, 1 और 5 नोटबुक में करना है. 6 + 1 = 7 होगा. मैम जी, हाँ जी, वो बुक वाला दिखा दीजिए. एडिशन फैक्ट ऑफ 10 लिखने थे आपको, 10 के एडिशन फैक्ट्स बलून शेयर करने के लिए. तो 0 + 10 = 10, 1 + 9 = 9, सॉरी 1 + 9 = 10. भी आपका 10 होगा, 4 + 6 भी 10 होंगे, 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10, 9 + 1 भी 10 होंगे और 10 + 0 भी 10 होंगे. ये आपके 10 के एडिशन फैक्ट है.